पूर्व पीएम का मोदी सरकार पर हमला। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चुनावी दंगल में एंट्री हो गई है। 5 राज्यों में जारी चुनाव के बीच मनमोहन सिंह ने वीडियो संदेश के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला है। पूर्व पीएम ने कहा कि भाजपा ने पीएम मोदी की सुरक्षा के मुद्दे पर पंजाब के सीएम और राज्य के लोगों का अपमानित करने का प्रयास किया। आज देश की हालत ऐसी है कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब लोग और गरीब में ढलते जा रहे हैं। मनमोहन सिंह ने पंजाब के लोगों से सहयोग मांगते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश में बंटवारे की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने 7.5 साल किए गए गलत कामों के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है। मैं भी 10 साल पीएम रहा हूं, लेकिन कभी मैंने इस पद की मर्यादा कम नहीं होने दी।